खाद बीज और कृषि संबंधी दवाइयां बेचने वाले एग्रो व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान दुकानें बंद पाए जाने पर इनका चालान हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये घोषणा बाराबंकी में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने की। कृषि राज्य मंत्री एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कृषि व्यापारी महाधिवेशन को संबोधित करने आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण और सैंपलिंग के बहाने एग्रो व्यापारियों का शोषण नहीं होने देंगे। इस मौके पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने व्यापारियों से भी पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करने की अपील की और उन्हें पराली न जलाने की शपथ भी दिलाई। इससे पहले एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने मांग रखी कि एग्रो व्यापारियों को दुर्घटना बीमा से कवर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुकानें बंद होने पर चालान किए जाने की कार्यवाही बंद की जाए। अगर मेरे पास में 1,000, 1,500, 3,000 दुकानें हैं, अधिकारी बन जाते हैं, हो सकता है कोई व्यापारी किसी कारणवश कहीं रिश्तेदारी में गया हो, बच्चों के स्कूल गया हो या आसपास कहीं और गया हो, अगर उसकी दुकान बंद हो, जनपद में 3,000 दुकानें हैं, अगर 5 दुकानें भी बंद हुई तो तुरंत उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। उससे ये नहीं पूछा जाता कि आखिर आपकी दुकान को व्यापारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए कृषि राज्य मंत्री ने व्यापारियों की दुकानें बंद होने पर चालान न किए जाने का ऐलान कर दिया। माननीय व्यक्ति ने कहा कि दुकान बंद होती है तो उसका भी चालान करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, आज से बंद हो गए थे, बाद में दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।